ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज करते हुए 1991 के मुकदमे को ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो 6 महीने में इस मामले की सुनवाई पूरी करे। इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जिन 5 याचिकाओं को खारिज किया है, उनमें से 3 ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी और 2 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दायर की गई थी। जो 3 याचिकाएं मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई थी, उनमें से 1 याचिका को मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती मिली थी। हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। बता दें, 1991 में वाराणसी कोर्ट में आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से एक केस दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने विवादित परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। इस याचिका में पंडित हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा वादी शामिल थे। तो वही दूसरी ओर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका को चुनौती देते हुए इसके बदले में 1 और याचिका दायर की थी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में जो 5 याचिकाएं दायर की गई थी, उन्हें कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आदेश दिया कि 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से जो वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से प्रभावित नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कानून है कि 15 अगस्त 1947 के अस्तित्व में जितने भी धार्मिक स्थल आते हैं, उनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।